हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे कच्चे चावल से। और इसे बनाने के लिए आपको ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा सामान चाहिए। बहुत ही कम सामान में, कम मेहनत में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ ही इस नाश्ते के साथ खाए जाने वाली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। यकीन मानिए, ये नाश्ता की रेसिपी आपके घर में सबको पसंद आएगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चावल को एक घंटे के लिए सोख कर लिया था, और जो मोटे वाले चावल आता है उसका मैंने इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं चावल अच्छे से सूख हो गया है, जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो इजीली टूट रहा है। तो अब हम चावल को ग्राइंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बड़े वाले मिक्सर जार का इस्तेमाल किया है। तो चावल को मैंने अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी निकाल लिया है। तो सारा चावल हम मिक्सर जार में ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और अदरक को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग में दही का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो मैंने यहाँ पर 50 ml पानी का इस्तेमाल किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बैटर को हमें कढ़ाई रखना है। इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये लीजिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से पेस्ट बन गया है। देखिए, तो पानी ज़्यादा डालेंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है, 1/4 कप सूजी डाल देंगे इसमें, और इसके बाद हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये लीजिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, और बहुत ही बढ़िया सा गढ़ा सा बैटर तैयार है। तभी हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे रेस्ट पे, ताकि सूजी फूल जाए। तब तक हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1/2 कप रोस्टेड मूँगफली। इसमें हम ऐड कर देंगे 7-8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप मिर्ची की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कितना तीखा पसंद करते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 मुट्ठी धनिया डाल रही हूँ, और धनिया को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और सभी चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इस नाश्ते के साथ चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप चटनी ज़रूर बनाइएगा इस नाश्ते के साथ। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि चटनी हमें गढ़ा ही रखना है। और इसके बाद हमें सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और ये लीजिए, मैंने सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है। तो आप चाहे तो इसमें तड़का लगा सकते हैं, या फिर बिना तड़के के भी चटनी को इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं, और मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। इस चटनी को आप पकौड़े, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर तड़कापन। इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच के लगभग में राई, 2-3 सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे तोड़कर, और इसके बाद हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि सूखी मिर्च का कलर बहुत ही जल्दी चेंज होने लगता है। आप इसमें करी पत्ता ही मिला सकते हैं। तो मैंने जो तड़का तैयार किया, वो मैं सारे चटनी में नहीं डालूंगी, थोड़ा सा तड़का मैं बचा रही हूँ। और अब हम तड़का को चटनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में, और जो हमने तड़का बचा कर रखा था वो हम इस बैटर में डाल देंगे। और बैटर को भी रखे हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं, तो तड़का को हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब देख सकते हैं बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, क्योंकि सूजी फूल गई है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई वाली थाली, इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आप चाहे तो केक टिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास कढ़ाई वाले बर्तन हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए, मैंने थाली को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। ऑयल से ग्रीस करने से नाश्ता हमारा बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो थाली को भी हम रखते हैं साइड में। जो हमने बैटर तैयार करके रखा है, उसमें हम ऐड कर देंगे फ्रूट सॉल्ट 1 चम्मच के लगभग में। तो मैंने यहाँ पर हिमालय का फ्रूट सॉल्ट इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें इनो मिला सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा मिला सकते हैं। और इसमें हम 2 चम्मच के लगभग में पानी डाल देंगे, और इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। और ये देखिए, मैंने इसमें अच्छे से फ्रूट सॉल्ट को मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी फ्लफी हो गया है। और ध्यान रहे, जब हमें नाश्ता को कुक करना हो, तभी हमें फ्रूट सॉल्ट लास्ट में मिलाना है। तो अब हमें क्या करना है, इस बैटर को हम थाली में डालेंगे जो हमने ग्रीस करके रखा था। तो सारा बैटर हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसके बाद हम थाली को हम हल्का सा टैप टैप कर देंगे, ताकि इसमें जो एयर बबल्स हो वो निकल जाए। तो नाश्ता को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी उबॉयल किया है 1 लीटर के लगभग में। इसमें हम एक स्टैंड डाल देंगे, और इसके बाद हम सावधानी से थाली इसमें डाल देंगे, और इसे हमें करीब 15 मिनट तक स्टीम करना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसको भी हम ढक देते हैं। तो नाश्ता को स्टीम करते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं नाश्ता काफ़ी अच्छे से फूल गया है, ये देखिए।
तो चेक करने के लिए मैं इसमें चाकू डाल रही हूँ। आप चाहे तो टूथपिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी कि नाश्ता हमारा अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम सावधानी से इस प्लेट को कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसको प्लेट से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं नाश्ता अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसके चारों तरफ से हम एक बार चाकू लगा लेंगे, और इसके बाद हम इसको अपने मनपसंद के पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहे शेप में कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लफी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसको आप फ्राई करना चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूला फूला ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे आप चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ भी खा सकते हैं। बिना झंझट के बहुत ही आसानी से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी सारी जालियाँ बनी हुई है इसमें। और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।